करके आपका अपना टेक्निक गुरु जी। स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टेक्निक गुरु जी। दोस्तों बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं जब हमें अपनी कार की क्लीनिंग करनी पड़ती है, कारपेट की। वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स इतने होते हैं कि क्लीन नहीं हो पाते हैं किसी भी कपड़े से, किसी चीज़ से। तो वहाँ तक अगर हम अपने वैक्यूम क्लीनर को लेकर जाना चाहें तो वो भी इम्पॉसिबल वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी वायर नहीं पहुँच पाती। या फिर कुछ ऐसी एसेसरीज क्लीन करनी पड़ती है जहाँ पर इतना बड़ा हैवी वैक्यूम क्लीनर ले जाना पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ पर काम आते हैं पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर। तो या बिल्कुल सही दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायसन के वैक्यूम क्लीनर के बारे में, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही छोटे और पोर्टेबल डिज़ाइन में है, जो आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये हैवी ड्यूटी बैटरी सपोर्ट के साथ आता है, जो कि आपको कहीं से एक्सटर्नल वायर अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजी टू कैरी है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में आज फुल रिव्यू और फुल डिटेल्स देखते हैं। चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे डायसन के पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर के बारे में। जैसे कि आपने अभी वीडियो देखा ही होगा, तो इसमें आज हम बात करेंगे V12 मॉडल के बारे में। V12 मॉडल बेसिकली ये देखिए पोर्टेबल और काफ़ी हैंडी है, बहुत अटैची है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी नज़र डालते हैं इसके डिस्प्ले पर। तो ये इसमें डिजिटल डिस्प्ले मिलने वाली है आपको, जिसमें आपको सारी चीज़ें स्पेसिफाइड दिखाई देगी। अब बात करें इसके मोड्स की, तो पहला मोड आएगा इसका बूस्ट, सेकेंड मोड आएगा इसका मीडियम एंड थर्ड मोड आएगा इसका इको। इको में नॉर्मल स्पीड रहेगी, ज़्यादा तेज़ नहीं चलेगा। और मीडियम पे अगर हम बात करें तो मीडियम पे मीडियम रहेगी लेकिन ज़्यादा हाई नहीं चलेगा, लेकिन बूस्ट पे सबसे ज़्यादा हाई चलेगा, ठीक है, इसका टॉप स्पीड रहेगी। अब अगर हम मीडियम पे चलाते हैं तो यहाँ पर इसका स्टार्ट करने का बटन है, जस्ट हम प्रेस करेंगे और ये स्टार्ट हो जाएगा। आगे अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो इसके आगे ग्रीन कलर की लाइट जलती है। बेसिकली ये सेंसर है जो ये सेंस करके बताता है मदरबोर्ड को कि कहाँ पर क्या ज़्यादा डस्ट पार्टिकल है। जैसे जैसे हम इसको आगे मूव करेंगे वैसे वैसे डस्ट पार्टिकल के अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड हाई और लो कर लेगा। सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि जैसे ही हम इसको मोड्स चेंज करते हैं, ईको मोड, ऑटो मोड और बूस्ट मोड, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि स्पीड कम और तेज़ और हाई होती जा रही है, ठीक है। ये दोनों का बेसिकली ये डिफरेंस रहेगा, इसका 60 मिनट रहेगा, कम रहेगा। और सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर हेक्सा एक्टिव फिल्टर मिलेगा आपको, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स क्लीन करना ईजीली बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। और बात करें इसकी ईजी टू क्लीन सिस्टम की, तो यहाँ से आप इसे अटैचमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं। इसको प्रेस करेंगे और ये अटैचमेंट्स इजीली निकल जाएगी। इसके साथ आपको 7 अटैचमेंट्स और मिलती है, जिससे आप अपने घर के सोफ़ा सेट्स और आपकी एसेसरीज, आपके कंपोनेंट्स, यहाँ तक कि आप अपनी कार को भी ईजीली क्लीन करके इस वैक्यूम क्लीनर का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए टेक्निक गुरुजी।